ये है जी यार शारी। अस्सलाम वालेकुम नी हाउ लेकिन ये है जी यार शारी। हाउ डू यू प्रोनाउंस दिस वन? यार शारी, यार शारी, यस। और ये येली शारी, तो ये सिंकियांग वेबसाइट से। और इनका फूड जो आई थिंक ये मिक्स उस तरह की कुजीन है, आई थिंक समथिंग इंस्पायर्ड बाय द मिडल ईस्ट टाइप, जो है यानी कि ईरान और पर्शिया टाइप की, और कुछ हमारे पाकिस्तानी स्टाइल भी आई थिंक मिक्स कुजीन है। तो इधर आ जाएं थे, आपको दिखाते हैं ज़रा। नहीं जी, अब इधर बैठते हैं और जाके इनका मेन्यू चेक करते हैं, मेन्यू के अंदर क्या क्या है। लेट्स गो। और ये इन्होंने टेबल पे भी कुछ ला के रखा है, लग केक रस टाइप रहा है, लेकिन चख के दिखाता हूँ कैसा है। व्हाट इज़ दिस? इज़ क्रिस्पी? नो, इज़ सॉफ्ट ब्रेड। ये रशारी, ये लिशाली इन चाइनीज। ये जी इनका सीजन, ओके। ये देख रहे हैं ना, काफ़ी इंस्पायर्ड जो है हमारी साइड के एरिया जो है उनसे इंस्पायर्ड है इनका मेन्यू। वाओ, और देखें रोटियां, ब्रेड और ग्रिल वगैरह। अभी मैं ऑर्डर करके फिर जब खाना आएगा फिर बताएंगे कि कैसा था खाना, ठीक है? तो वेट कीजिए ज़रा खाने का। ये चेक करें जी, टिक्के कबाब, इधर टिक्के कबाब भी हैं। या ले जी, ऑर्डर करते हैं, मटन ऑर्डर करते हैं इधर। और ये देखें जी चांपे, और ये चेक करें जी टिक्के कबाब, यहाँ पे होंगी मौजें। वाह, ये है ना, ये ज़रा डिफरेंट होगा काम। ये देखें इधर ये पुलाव भी है, ये कोई काबली पुलाव टाइप चीज़ लग रही है, इसको भी ऑर्डर करते हैं। ओ, इसमें वो देखें ना, मेवे मुवे भी डले हैं, ज़बरदस्त काम हो गया। अच्छा, ये खजूरों की बनी हुई जो ब्रेड है, ट्राई करते हैं। थोड़ी मज़ेदार है, मीठी ब्रेड है, लाइक केक रसा है लेकिन है मीठा मीठा, लाइक सॉफ्ट लेकिन नरम नरम सा है, ज़बरदस्त। इधर चाय भी है, चाय देखें, हमने पहले चाय मंगवाई है। और ये चाय जो है हमारी तरह की चाय है, लेकिन इसमें मैंने कहा ठंडी वाली, यहाँ पर चाइना में ठंडी चाय भी तो चलती है, गर्म मौसम है। तो ये देखें ठंडी चाय, लाइक दिस, शीशे। अब इसको ट्राई करते हैं ज़रा, कान पे ठंडी चाय के साथ, ठंडी चाय के साथ। यामी, इज इट यामी? हाउ जो जो इज इट टेस्टी? यामी अच्छा। ओ देखें जी, खाना आना शुरू हो गया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस डिश? चिकन डिश। अच्छा जी, और ये कोई नूडल्स है? इसको पहले इधर डालते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं, ज़रा चख के देखता हूँ मैं, फिर बताता हूँ कैसा टेस्ट है इसका। लो जी ट्राई करते हैं, ये चिकन आया सबसे पहले। ये वाला सही मसाले वाला चिकन है, हमारी तरह से होता है ना मसाले वाला, ये सही मसालेदार चिकन है। आलू भी है इसके अंदर, आलू आलू उठाए ऐसे। आलू भी सही मसाले स्पाइसी वाले हैं, मज़ेदार काम है। गुड, स्पाइसी अच्छा, टेस्टी है। ओ पुलाव आ गया जी, पुलाव चेक करें जी, पुलाव ज़बरदस्त। और ये देखें ना, वो कैसे देखे कितना सॉफ्ट गोश्त है जनाब, वो हमारे लिए प्रिपेयर कर रहा है, गोश्त को उतार के पुलाव के अंदर मिक्स करेंगे, उसके बाद फिर मज़े ले लेके खाएंगे। और देखें कितना सॉफ्ट सा मीट है, ज़बरदस्त। अभी फिर मैं इसका टेस्ट करके आपको बताता हूँ ये कैसा है। ओह देखें जी, ये लैम के टिक्के भी आ गए, टिक्के ज़बरदस्त काम हो गया ना। अभी खाते हैं जो जो उठे। वाह, वेरी गुड। और जुमा, हाउ इज इट? अच्छा, स्पाइसी पता है मानो, स्पाइसी स्पाइसी।
ओह ये चेक करें, ये चांपे भी आ गई हैं, चांपे, वाव वाव, ज़बरदस्त काम हो गया ना, ओह माय गॉड, आज तो बड़ा जी स्वादी काम हो गया। नहीं जी, ये जो है ना चांप, ये उन्होंने साथ सॉस दी है, सॉस ऐसे इसके ऊपर थोड़ी सी डाली ऐसे, ये ऐसे, और इसको जनाब इसके ऊपर ये वाली चटनी थोड़ी सी लगाई ऐसे, और इसको जनाब फिर ऐसे करके खा। और बड़े नरम गोश्त है यार, बड़ा स्वादी काम है। ओह ये भी कोई एक और चीज़ आई है जनाब, ये लग समोसा रहा है लेकिन समोसा नहीं है, इसका कुछ और नाम है, इसको खा के देखता हूँ। व्हाट इज़ इनसाइड? ओह ये अंदर, इसके अंदर जनाब वो है लैम। और यहाँ पे एनवायरनमेंट भी लाइक देसी स्टाइल है। अच्छा चाइना में एक और भी होता है, खाना बच जाए तो आप इसे पैक करके घर ले जाते हैं, ये बड़ा कॉमन है यहाँ पे। इट डजंट मैटर कि आप किस मर्जी फैंसी रेस्टोरेंट में आएँ, लोग खाना ज़ाया नहीं करते, वो पैक करके घर ले जाते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। देखिए पुलाव भी ख़त्म हो गया। लो जी खाना शाना खा के हो गए हैं फारिग, और ठंडी चाय का ये फ़ायदा होता है कि खाने के बाद भी ना चलती रहती है, तो अब ज़रा चाय शाय पी रहे हैं। खाना सुनने बहुत मज़ेदार था, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप चाइना में आएँ तो इस रेस्टोरेंट को ज़रूर ट्राई करें। इसका नाम है यार शारी, ये सिंकियांग वाली साइड से है, और यहाँ पे फूड सारा हलाल होता है, ये इसका पॉजिटिव है। और फिर दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। तो अब मैं अपनी शॉपिंग से कंटिन्यू करूँगा, और वो शॉपिंग की वीडियो अलग अपलोड होगी, तो चैनल पर ये सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, बाय बाय।